संथाल डी इछोर सार्वजनिक चरक पूजा कमेटी की ओर से गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भूचा बाबा शिव मंदिर में हर्षोल्लास के साथ चरक पूजा मनाई गई। इस अवसर पर व्रतियों ने निर्जला उपवास रखकर भोलेनाथ का पूजा अर्चना की और तकरीबन 40 फीटों पर भोक्ता खुटा पर लटक कर परिक्रमा भी की। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने अपने जिस्म पर नुकीले लोहे के कीड़ों से अपने शरीर पर छिदवाकर आस्था का परिचय दिया। भक्तों द्वारा मन भावन दृश्य जिसे देखने के लिए पश्चिम बंगाल झारखंड के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन भोले बाबा मंदिर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और भक्त को बुलाने के लिए अपने शरीर पर तरह तरह के नुकीली चीजों को अपने शरीर में छिदवाकर भोलेनाथ को बुलाते हैं और भगवान भोलेनाथ लोगों को ये आस्था दिख रही है। और इस मौके पर आयोजन कमेटी के लोगों ने कहा कि हर वर्ष भूचा बाबा शिव मंदिर में धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं। इस मेले को देखने के लिए बंगाल झारखंड से कोने कोने से भक्त आते हैं। यहाँ की मान्यता है कि बाबा के पास माथा टेक कर भक्त मानसिक करते हैं तो बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। यही कारण है कि लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। कमेटी की ओर से राहगीरों के लिए शरबत शीतल पेय जल की भी व्यवस्था की गई एवं प्रशासन द्वारा काफी सहयोग मिलता है। इछार सार्वजनिक चरक पूजा कमेटी ने सभी का धन्यवाद किया एवं आभार प्रकट किया। मौके पर निर्मल बावरी, रमेश मांझी, तरणी सेना, महेश बावरी, पूर्व बावरी, सुरेश बावरी, दिलीप बावरी, तारा पद्मा, प्रवीर कुमार के अलावा समस्त लोग उपस्थित थे। भेजुरी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। हम लोग का ही सबसे इछर गांव का सबसे बड़ा फेस्टिवल में मनाया जाता है और इछर सलवाना कमेटी से रिपोर्ट पर लेके नया साल का हम लोग सबको हार्दिक अभिनंदन जनाते हैं। कल हम लोग नया साल में घुस रहे हैं बंगला में और सबसे मजा का बात है इछर माने एकदम बच्चा से बुढ़ा तक पूरा गांव ही पर्व मेला के लिए पूरा उत्साहित करता है, हेल्प करता है। इसलिए इछर नहीं है ऊपट्टी कमरगुड़ा आकुटार संताली जितना हम लोग का नियर अबाउट जो विलेज है सब हेल्प करता है हम लोग को। इसीलिए आज इतना सुंदर हम लोग मेला का अंतिम पोजिशन में आ गया है। आप एक लोकल एडमिनिस्ट्रेट हम लोग का बहुत हेल्प कर रहा है। लोकल पुलिस बोलिए पीसीएल का कुछ हम लोग को जितना इस साल थोड़ा बिग बजट का हम लोग का मेला है लेकिन सबसे मजा का बात है ये चांदा करके आ रहा है गाँव में एकदम जितना गरीबी पर्सन वो सारा बच्चा जितना होता है ना वो पैसा जमा करके रखता है क्योंकि हम लोग को गाजन में देना है पार्टिसिपेट करना है। इसीलिए आज हम लोग इतना इस मंजिल में पहुँचे हैं। ये 250 साल से पुराना हम लोग का पूजा है। मेरा परदादा पूरा पूर्वापुरुष से ही पहले आ रहा है ठीक है ना। और सबसे बड़ा आप एक तो बात पूछ रहे थे उस समय ये इतना सी ग्रुप लगाते हैं इसमें साइड इफेक्ट कुछ होता है नहीं होता है। आप कभी भी आइए इसमें कोई अगर कोई साइंटिफिक पद्धति में इसमें नीम का पत्ता लगा जाता है। कल जब इलेक्ट खोल देगा उसमें एक दो दिन नीम का पत्ता लगाएगा और कुछ नहीं लगाएगा लेकिन किसी का कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जितना 130-135 हम लोग का भक्ता हुआ है कि आपने 200 करीब 200 है लेकिन क्या है इसमें जो जो मन्नत मांगे थे वो कहीं ना कहीं उसका सफल हुआ है तब आके बाबा का अंदर की माथा टुका है। इसीलिए आज इतना सुंदर मेला हम लोग का पार हुआ। मैंने भक्तों के ऊपर बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है ऊपर है तो है पूरा गांव वाला का ऊपर बूढ़ा बाबा का आशीर्वाद है। बाहर से आदमी आता है हम लोग को देखने में आपको देखा होगा ये आज झारखंड का भोजपुरी बोलिए सिंदरी बोलिए झरिया बोलिए इधर से आदमी आता है। बंगाल का है ये आपका संतानी आर एन ब्लॉक में पूरा आदमी आता है ये मेला देखने के लिए पूरा दिन माने बैठता है। जब हम लोग जाएंगे कोई भी रिलेटिव ऐसा कोई घर नहीं है ये बाहर से रिलेटिव नहीं आया हम लोग वो लोग बोलते हैं चलिए हम लोग का घर उस समय बोलते हैं नहीं जाएगा हम लोग जाएंगे तो जोत पूजा गाजन में जाएंगे। पूरा साल भर इसमें माने वेट करता है ये मेला देखने के लिए आदमी। अब तो देखें भीड़ का संख्या करीब करीब 10 से 12 हज़ार आदमी यहीं पे अभी मौजूद है। क्या नाम हुआ शुभ नाम आपका? हाँ शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो गया तारिणी प्रसाद सिन्हा इछर का ही रहने वाला हूँ। भक्तों का काफी हुजूम लगा हुआ है काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं बूढ़े बाबा का दर्शन के लिए और शरीर में मोटे मोटे कील लगा रहे हैं इसके संबंध में क्या कुछ कहना है? देखिए जो हम साल का पूजा है ना हमारे ग्रामीण जो पूजा है बंगला की छात्र अनेक दिन पुरानो पूजा मैंने राजा राममोहन जी के पूजा हम करे आसि हमारे बाप काका दादू ठाकुरदा सबाई पूजो करे आसि और ये पूजो एक अनेक महत्व आ आज के हम शेष दिन पूजार 11 तारीख थी शुरू हो आगे हमारा अनेक कि प्रोग्राम रेखे मेला के उपलक्ष्य कर मेला एत सुंदर भाव ग्रामे मानूष समर्थन कर सहयोगा कर जेटा कि मैं भेबे उठा पा जाए प्रशासन जो सहयोगा कर प्रशासन के कमिटर पक्ष अशेष धन्यवाद जाना
আপনি যখন এখানে এসেছেন খুব আমাদের ভালো লেগেছে। আমাদের টুটের মেলা আগে মেলার যে পরিকাঠামো সেই পরিকাঠামো আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা করতে পেরেছি। যদিও এমনও হতে পারে কোনো জায়গায় আমাদের ত্রুটি থেকে যেতে পারে, আমরা এরপরে সেদিকে আবার শুধরানোর চেষ্টা করব। यहाँ पर कब से आप लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं? हमारा तो ये सोलाना में रहना करीब 28 साल हो गया। 28 साल बूढ़ा बाबू का यहाँ पर विशेषता क्या है? इसका जो विशेषता है पाताल भैरव है, ऊपर में जो है पाताल भैरव है, इसका यहाँ के जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरे कर देते हैं। ये 11 तारीख से पूजा जो प्रारंभ हुई है, 11 तारीख के बाद आज हो गया 14 तारीख, इस दिनों में क्या क्या करवाते हैं आप लोग? देखिए 11 तारीख हो गया आपका फुल्लिया का जो मरहूम जमा का था शंकर मीरा दास का नाइट था, और 12 तारीख का आपका हो गया कलकत्ता वाला यात्रा पार्टी ड्रामा पार्टी था, वो भी बहुत अच्छा से हम लोग का गाँव का जितना भी मतलब गाँव में जितना भी मेहमान आए हुए हैं जो भी आए हैं गाँव का सब एक साथ देख के बहुत मनोरंजन किया। और काज तो था 13 तारीख को गाजन था, शिव का गाजन रात भर को गाजन चला सफलता का लेके, जो मान लीजिए जो बोलता है मंदिर के लिए जो उपासना किया है भक्ता लोग उन लोग का दान है सो। और मेला जो है ना ये भक्त के लिए हम लोग का मेला माना जाता है, मैंने भक्ता अपना मैंने करे के सुर दिखाता है शरीर में कि भूख प्यार के ये लोग बहुत मैंने मेहनत किए और कम से कम एक महीना से ये लोग ये सब नाच उच का प्रैक्टिस करता है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम होगा निर्मल बावरी, पूजा कमेटी सेक्रेटरी। मेला हमारे अनेक पुरो मेला विगत 500 साल थे मेला चले आसा हमारे ये ब्रह्मपुत्र मेला, ये मेलाते विभिन्न रकम अनुष्ठान हो गत 11 तारीख थे मेला हमारे शुरू हो 11, 12, 13, 14 चार दिन नाना रकम अनुष्ठान आगे भक्तादे और सांस्कृतिक अनुष्ठान आगे हो मेलाते हमारे समस्त ग्रामवासी এবং প্রশাসনিক সকলে অনেক সহযোগিতা করেছে বলে আমরা এই মেলাকে সম্পূর্ণ হবে আজ মানে ভাব করতে পেরেছি আর কি। তাই আমাদের সকল গ্রামবাসী এবং প্রশাসনিক সকলকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই যে ইনফরমেশন আপনি এসেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আপনার নাম? আমার নাম সুরেশ মাওরি, পঞ্চায়েত মেম্বার। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।